Hey you guys, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing extremely well. Let's go to Kanyakumari. Like, oh my god, ये अचानक से प्लान हम लोगों ने कल बनाया एंड आज हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के लिए. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आज जाके आज ही वापस आ जाएंगे बिकॉज इट इज 100 किलोमीटर्स यहाँ से त्रिवेंद्रम से. तो अगर हो सकेगा तो आज ही वापस आ जाएंगे बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, वेरी स्पेशल आपको सनराइज सनसेट देखने को मिलता है एंड यू डू हैव अ विवेकानंद मेमोरियल जो कि काफ़ी स्पेशल है वहाँ का देखने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है, जो देखने के लिए लोग आते हैं इतने दूर से, एंड सम बीचेस. तो देखते हैं, अगर आज सब कुछ कवर हो गया तो हम आज ही इवनिंग में देख के सनसेट पे वापस आ जाएंगे. सो लेट्स सी आज का क्या रहता है कन्याकुमारी का ट्रिप. आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ऑल सेट. एक्चुअली आउटफिट ऑलरेडी आप लोगों ने इस व्लॉग से पहले देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी. सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस विच इज कन्याकुमारी. आप लोगों ने सुना होगा कन्याकुमारी एकदम लास्ट साउथ में है, पूरा एंड में इंडिया का. तो काफी सारे लोगों को एक्साइटेड लगता है कि यू नो इस प्लेस में क्या होगा देखने के लिए. पहले मैं भी थी लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना तो मैंने सोचा कि चलो पास है तो देखते हैं एक्चुअली में क्या है, क्यों इतना फेमस है वो प्लेस. लेट्स गो, लेट्स सी. यहाँ पे रेडी होके हम लोग निकल चुके थे तमिलनाडु के लिए. ब्रेकफास्ट करके निकले थे, 10 बज चुका था बिकॉज हमें पता था कि हमें वहाँ पे स्टे नहीं करना है एंड हमें सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस पे जाना है, दैट इज़ विवेकानंद मेमोरियल. वहाँ पे जाके हमें और एक सरप्राइज़ मिला जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी. यहाँ पर जाना आज का एकदम सक्सेसफुल हो गया, पर हमारा जो मेन मोटिव यही था कि हम कन्याकुमारी जा रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल देखने के लिए. मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था जाने से पहले कि इस प्लेस में क्या है क्या नहीं है, बट व्हेन यू गो टू दिस प्लेस ना एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो पहले तो आपको पूरा सी के अंदर नहीं लेकिन सी के अंदर ही वो जो स्टैचू है, टेम्पल है, वो बनाया गया है. आपको 10 मिनट्स का जर्नी करना पड़ता है बोट में, टिकट्स लगते हैं ओब्वियसली. हमको पर हेड 75 रुपीज़ लगा था. तो फिर वहाँ पर जाना पड़ता है टेम्पल में. व्हेन यू एंटर द प्लेस बहुत लोग आते हैं वहाँ पर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर 2 स्टैचू बनाए दिए गए थे. पहले ये जो दूसरा स्टैचू है ये ओपन नहीं हुआ था, इस बार ये दूसरा स्टैचू भी बन गया है एंड ओपन हो चुका था. वहाँ पे भी अब हम लोग गए थे एंड वो जगह भी देखे, बहुत ही ब्यूटीफुल था. पहले तो जो विवेकानंद जी का जो टेम्पल बनाया गया था ना, वहाँ पे उनका यू नो फिट भी था, वहाँ पे उनका स्टैचू भी था. वहाँ पे एक्चुअली फोटोग्राफी अंदर टेम्पल के अंदर अलाउड नहीं था, तो जो भी मैंने फुटेज लिया है वो बाहर से लिया है. तो बाहर से आप लोगों को बस देख सकते हो कितना क्लीन है, कितना बड़ा एरिया लेके उन्होंने बनाया है एंड वहाँ पे कोई भी फूड अलाउड नहीं है, ना ही आप वहाँ पे खा सकते हो, कोई बेच रहा है, ना ही आप बाहर से लेके वहाँ पे जा सकते हो. विच इज़ शो गुड एक्चुअली बिकॉज हम इंडियंस जहाँ पे जाते हैं वो जगह कचरा कर लेते हैं. सो अच्छा है. तो वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा हमें. हम वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठे, वहाँ पे गप्पे लड़ाए, हवा आ रहा था, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाए बिकॉज वहाँ से जो सिटी का व्यू था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था. तो यहाँ से आपको सनसेट एंड सनराइज लाइक कन्याकुमारी वन प्लेस, ओनली प्लेस जहां पे एक ही जगह पे आपको सनसेट एंड सनराइज दोनों देखने को मिलते हैं, बाकी जगह पे कहीं पे नहीं मिलता है. सो वो चीज भी हमें देखना था. तो यहां पे हम दूसरे तरफ भी जाएंगे. सो दिस इज द स्टैचू ऑफ थिरुवल्लुवर. ये एक पोएट एंड ऑथर थे. तो इनका जो स्टैचू है बहुत ही बड़ा बनाया गया है, ये काफी फेमस है, अभी न्यूली बना है एंड ओपन किया गया है. एंड जैसे ही आप बोट में जाते हो ना वो विवेकानंद टेम्पल देखने के लिए, जैसे आप वहाँ पे देख रहे हो ना वो वाला, वैसे ही आपको फिर से बोट में बैठ के वहाँ से विवेकानंद टेम्पल से यहाँ तक आना पड़ता है ये स्टैचू देखने के लिए, इसके अंदर क्या क्या है देखने के लिए. तो हमने भी वही किया, मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रही हूँ एक्चुअली ये वाले एरिया में खड़े होके कि एक्चुअली विवेकानंद जी का जो टेम्पल है वो कैसा दिखता है दूर से. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आप लोगों ने तो अंदर का देख लिया फुटेज पहले. तो या तो दोनों ही बहुत ही सुंदर बनाए गए थे, इतना क्लीन था. थैंकफुली यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइसक्रीम मिल गया खाने के लिए क्योंकि हम लोग बहुत भूखे थे. हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता है. हम निकल चुके थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन.
वेकेशन के लिए। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ ली हूँ, आप लोगों को बाद में ज़रूर दिखाऊंगी। सी के अंदर खड़े होके कोई भी एक यू नो ब्यूटीफुल स्टैचू के नीचे आपको ज़रूर अच्छा फील होगा। आई नो, मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। सो दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग, जहाँ पर हमने फिर से लाइन लगाया था बोट में रिटर्न हमारे वापस प्लेस पर जाने के लिए, जहाँ पर हमारा गाड़ी पार्किंग था। तो आ गए थे गाड़ी में बैठ के हम लोग, फिर से अभी होटल की तरफ जाएंगे अभी खाना खाने के लिए, बिकॉज हम लोग काफ़ी भूखे हो गए थे, 5:30 बज चुका था। ओके यू गाइस, तो हम विवेकानंद मेमोरियल गए थे, वहाँ पे हमको ना पूरा 3-4 घंटा लग गया। इट्स बिकॉज वहाँ पे अभी न्यू एक स्टैचू समंदर के अंदर ही बनाया गया है, तो उसको देखने के लिए हमें फिर से बोट में लाइक विवेकानंद मेमोरियल से वहाँ पे जाना पड़ा, जो स्टैचू ऑफ वैलोर। मैं आपको आपको ना उसका डिटेल्स बता दूँगी बाद में। तो हम वहाँ पे भी गए देखने के लिए, सो दोनों स्टैचू देखे और 2-3 बार हम लोग यू नो बोर्ड चेंज किए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो हमें पता नहीं था इतना टाइम लगेगा। तो लंच अभी कर रहे हैं हम लोग, लिटरली इट्स 5:30, कैन यू सी। तो 5:30 बजे अभी हम लंच कर रहे हैं, कुछ भी रेस्टोरेंट हम आए हैं यहाँ पे तो लंच मतलब मील ख़त्म हो गया है, बट जो भी है चिकन का डिश हम बस वही खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। हम जाएंगे सनसेट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सनराइज सनसेट दोनों होता है। ये एक ऐसा प्लेस है यहाँ पे दोनों जगह दोनों चीज़ आपको देखने को मिलता है। सुबह के टाइम तो हमको देखने को नहीं मिला था, तो सनसेट हमको देखना है। सो अभी यहाँ पे लंच करके 6:30 तक यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो होपफुली हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड वो देखेंगे। यहाँ पे और 2-3 ऐसे छोटे छोटे मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पे टेम्पल्स है, तो टेम्पल्स जाने का आज सच हमारा कुछ प्लान नहीं था, बिकॉज हमें पता है कि बाद में हम आएंगे यहाँ पे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि घर वाले जब आएंगे तो उनको लेके आना ही है, तो बाद में वो टेम्पल वगैरह देख लेंगे। इस बार हम विवेकानंद मेमोरियल देख लिए, सनसेट पॉइंट देख लेंगे एंड यह वापस फिर निकल जाएंगे त्रिवेंद्रम के लिए। यही था आज का जर्नी, मैं आपको फिर सनसेट पॉइंट में पहुंच के ना मिलती हूँ एंड वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पर अब तक हम जितना भी देखे ना, एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल, सो क्लीन, मज़ा आ गया देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इतना लोग होते हैं यहाँ पर, मुझे तो ये मतलब पता ही नहीं था। सो या मैं आपको सनसेट पॉइंट पर जाके मिलती हूँ। लंच करके हम निकल गए थे ये वाला टेम्पल देखने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल था कन्याकुमारी में ही। एक्चुअली कन्याकुमारी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आप 2-3 दिन रुको एंड अच्छे से एक्सप्लोर करो, हम बाद में आ जाएंगे। आज हम सनसेट देखने के लिए गए थे, लेकिन बादल घिरे हुए थे, इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखे, बट वी एन्जॉयड इट अ लॉट। कन्याकुमारी बीच के पास एक बड़ा सा लोकल मार्केट था, तो हम वहाँ पर भी गए थे। हमें कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन हमें देखना था कि कैसा है लोकल मार्केट। 2-3 घंटा चाहिए, आराम से आप घूम सकते हो। खरीदे कुछ नहीं, बस 7:30 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलने लगे थे, बिकॉज 10-10:30 बजे तक हमें घर पे पहुँचना था। आपके पास अगर टाइम है, 2 दिन सफिशियंट है कन्याकुमारी कवर करने के लिए। तो यस, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू सून, बाय।